अपने प्रिंटर का पावर ऑन कीजिए, फिर पेपर इनपुट ट्रे को खोलिए। अब इस पर कागज लगाइए। पेपर आउटपुट ट्रे को खोलिए। इसके बाद कार्ट्रिज एक्सेस कवर को खोलिए। कैरिज अपने आप प्रिंटर के बीच में आ जाएगा। जिस कार्ट्रिज को बदलना है उसे निकाल लीजिए। पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आप सही कार्ट्रिज का प्रयोग कर रहे हैं। तीन रंगों वाला कार्ट्रिज बाईं तरफ और काले रंग वाला दाईं तरफ लगेगा। अब नए कार्ट्रिज का पैकेट खोलिए। प्रिंटर नोजल पे लगी प्रोटेक्टिव प्लास्टिक टैब को खींचकर हटा दीजिए। ध्यान रहे कि आप नोजल या दूसरे इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स को ना छुएं। अब कार्ट्रिज को कैरिज स्लॉट में डालिए। आहिस्ता प्रेस कीजिए। कार्ट्रिज क्लिक की आवाज के साथ अंदर बैठ जाएगा। अब कार्ट्रिज एक्सेस कवर बंद कीजिए।